ये वीडियो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महंगा अनबॉक्सिंग प्लस एक्सपीरियंस वाली वीडियो है। तो बजट है इस वीडियो का 2,24,669 रुपए। बजट थोड़ा ज्यादा हो गया है। सबको साथ में अनबॉक्स करेंगे और मैं अपनी राय दूंगा, मेरे कुछ दोस्त भी देंगे अपनी राय। कट टू पहला आइटम, 57,000 का iPhone 12, 128 GB। यहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्ट की नीड की, जस्ट स्पेसिफिकली फॉर कैमरा, वो भी वीडियो पर्पस के लिए, बेटर जूम क्लासेस एंड बेटर इंस्टाग्राम का जो कंपेटिबिलिटी हो आईफोन के साथ। जीवन का पहला आईफोन अनबॉक्स करते हुए बॉक्स के साइज को देखकर माँ के चूड़ी का डब्बा याद आया, बट वही प्राइसिंग पे नजर गई तो चूड़ी गोल्ड के मिलेंगे कंगन। चलो भाई, ये निकला क्वाली की रंग का आईफोन, वो काफी ठंडा लग रहा है यार ऐसा। एंड जेन्युइनली बात करूं तो हाथ में पकड़ के काफी अच्छा लगा। बैक टू अनबॉक्सिंग, एंड बॉक्स के अंदर एक लाइटिंग केबल मिलती है जिसे अब तक लाइट की स्पीड में निकल जाना चाहिए था, और इसके अंदर एक एप्पल का स्टिकर आता है। नेक्स्ट कुछ बटर पेपर पे प्रिंटेड इन्फो मिलेगा, बेसिकली मक्खन लगाने के लिए। रिगार्डिंग फर्स्ट कैमरा टेस्ट, ये कुछ शॉट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, बिट रिच ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वैसे ये बात भी सच है, पूरा कैमरा टेस्ट हो चुका, एक और वीडियो का प्लग इन। iOS बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल आप 90 Hz को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। टाइम पास के लिए हमने बहुत अच्छी पबजी खेली। हमारे नजरिए से ऑब्वियसली, अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए तभी बनाऊंगा, कमेंट्स करना अपनी राय। तो ओवरऑल रेटिंग टाइम, पहला अनबॉक्सिंग, एप्पल और महंगे प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना ऑलवेज गुड, बट आईफोन 12 के लिए मुझे ऐसा लगा कि शुरू होते ही खत्म हो गया। एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस 8/10, ये फोन का एक पीस ऑफ आर्ट ज्यादा लगा। फुल फ्लैशी टाइप, ये थोड़ा ज्यादा। एंड ये ब्यूटीफुल पूरा आगे पीछे ब्लैक कलर, डार्कर देन माय कंसिस्टेंसी। अगला सामान इस लिस्ट का, सबसे सस्ता एक माउस, हमने पे किए 6,600। जरूरत क्या है इसकी, जरूरत फुली कंपैटिबिलिटी फॉर वीडियो एडिटिंग पर्पस। मेरे लिए MX Master 3, अनबॉक्सिंग काफी ग्रैंड फील होती हुई। लिड हटाते ही आपको सामने प्रोडक्ट दिखेगा, देखने में बिल्कुल एक ऐसा हाईटेक मशीन जैसा लुक है। अब देखो ओवरऑल बनावट तो प्लास्टिक की है, बट ऐसा बिल्ड काफी सेटिस्फाइंग है, छूने में, दबाने में और हिलाने में मतलब काफी अच्छा लगेगा आपको। टोटल इसमें आपको 8 बटन देखने को मिलते हैं, मोस्टली कस्टमाइजेबल हैं ऐप के थ्रू। ऐप में आपको खुद ही शॉर्टकट पॉइंट्स मिलते हैं, इसमें 2 स्क्रॉल व्हील मिलते हैं, और ये व्हील बहुत फ्रीली घूमते हैं, स्टिल थोड़ा कम जो लोग अभी भी बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं। साथ में नीचे के बटन मिल जाते हैं, काफी हैंडी और आई वुड से थंब भी। और सबसे अमेजिंग थिंग, ये सीमलेस कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे विंडो हो, मैक हो, आईपैड हो या एंड्रॉइड हो, सो नो भेदभाव, बिल्कुल हमारी तरह नहीं है। कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई, सबसे पहली चीज महंगा है, बटन थोड़े ज्यादा क्लिकी साउंड करते हैं तो थोड़ा अनोइंग बन जाता है। एंड फुली प्लास्टिक मेड, बट बुरी फीलिंग ये है कि मतलब ऐसा गिरने पे टूटने वाली वाइब देता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है इतने महंगे सामान से आना। एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करने मुझे जेन्युइनली में काफी अच्छा एक एडिशनल प्रोडक्टिव टूल लगा, और अपने आप में यूनिक, 9/10, वॉर्थ इट। अगला प्रोडक्ट MSI GF 63, थिन गेमिंग लैपटॉप। अरे इसका कितना पे किया हमने, पूरे 50,000। थैंक्स ब्रो। जरूरत मेनली फॉर वीडियो एडिटिंग, बस दो कंडीशन है, बजट 50,000 से अंडर होना चाहिए, और दूसरा वेट जितना कम हो सके वो बेस्ट। वैसे सबसे पहले यही आए थे, लिड हटाते ही सबसे पहले अपना लैपटॉप, बिल्कुल रैप होता वो पन्नी में। एक्साइटेड, लुक्स बिल्कुल नाम पर है, वेट गेमिंग लैपटॉप को मद्देनजर रखते हुए हल्का है। इस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, डिस्प्ले गेमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी सही है, और अगर प्रीमियर प्रो की बात करता हूँ तो M1 एयर को काफी अच्छे से टक्कर देता है ये 50,000 का लैपटॉप। अब बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स की। कीबोर्ड लाइट सिर्फ रेड कलर की जलती है, जो कि अच्छा है MSI के कंपनी के हिसाब से थीम है, बट मेरी कंपनी नहीं है तो मैं बोर हो जाऊंगा उस रंग से, तो ऐसा चेंज ऑप्शन होता तो अच्छा होता। और बैटरी बैकअप मीडियम सा ही है, 2 से 3 घंटे ऑन मीडियम यूसेज। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, इन डेप्थ के लिए कोई और वीडियो देख लेना। एंड रिगार्डिंग प्रोडक्ट ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा, 9/10, ऐसा देख सुन के लिए आए तो पैसा वसूली है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, छोटी मछली डेफिनेटली फोन ही होगा, नीड बस सैमसंग का फोन होना चाहिए, बजट अंडर 30K। वैसे बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, तो कल करेंगे इसे अनबॉक्स।
हाय गुड मॉर्निंग, अनबॉक्सिंग करते हैं। वही सैमसंग का बजट डिजाइन बॉक्स। फोन के अलावा बॉक्स में एक स्लो चार्जर और यूएसबी टाइप सी केबल। फोन का कलर रियल में काफी आई प्लीजिंग है, वीडियो से ज्यादा अच्छा रियलिटी में लगेगा। बट एक चीज जो रियलिटी में अच्छी नहीं लगेगी वो इस बिल्कुल 15,000 टाइप वाले फोन की फील देता है। अब अच्छी बात है इस फोन की, परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट। 120 हर्ट्ज का सैमसंग का डिस्प्ले, काफी बिल्कुल मक्खन की तरह वन यूआई चलती है इसके ऊपर। ओवरऑल आगे पीछे का कैमरा कॉम्बो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट 30,000 के कैमरे में। अब कॉन्स जो मुझे लगे, ज्यादातर प्राइस अबव 33 के रहता है, डेफिनेटली ओवरप्राइस। अगला, चार्जिंग काफी स्लो है, डेफिनेटली सक्स। एंड प्रोडक्ट ओवरऑल जिस प्राइस पे मैंने बाय किया 9 out of 10। अब बड़ी मछली और उसी से संबंधित कुछ छोटे प्रोडक्ट, मैकबुक एयर M1 72,000 रुपए। जरूरत एक सुंदर टिकाऊ बैटरी पे चलने वाला डिसेंट सा लैपटॉप, जिसकी अच्छी डिस्प्ले हो और बढ़िया परफॉर्मेंस हो, और साथ में वीडियो कॉल करने के लिए भी एक अच्छा कैमरा उसमें होना चाहिए। और इस प्राइस पे मुझे यही गो टू डील लगी। और सबसे दुख की बात भाई इस प्रोडक्ट के साथ, ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब मैं इसे रिफंड नहीं कर सकता। फन फैक्ट, जीवन का सबसे पहला मैकबुक अनबॉक्स करते हुए एंट्री बाहर हो भाई, हमारे इस रिएक्शन से कोई बता सकता है। नितिन तू एक बढ़िया सा वो शॉट ले सकता है, बिल्कुल मूविंग शॉट। बहुत ही गंदा होगा। कोई बात नहीं, तो हमारे हाथ में होता है। ओ है दोस्तों, है बहुत ही प्यारा लैपटॉप। फ्रॉम फॉर्म फैक्टर टू बिल्ड क्वालिटी सब कुछ काफी एक्सीलेंट। अपीयरेंस वाइज तो 100%। अंदर एक यूएसबी टाइप सी केबल मिलती है 2 मीटर लंबी, एंड कुछ बटर पेपर पे इन्फॉर्मेशन और वही अपना चार्जर छोटा सा। अब बात करते हैं अच्छी बातों की। बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर्स, डिस्प्ले टॉप नॉच है, कीबोर्ड डिसेंट है, ब्राइटनेस है कीबोर्ड में, मतलब बैकलिट है देखा क्या। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर एंड बैटरी, परफॉर्मेंस डिसेंट एंड हीट मैनेजमेंट टॉप नॉच है। एंड ऊपर नॉच नहीं है, काफी मोटी बेजल्स है अभी। अब कॉन्स की बात करते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगा। नॉट एवरीथिंग इज टॉप नॉच इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, यस मेनली मैं प्रीमियर प्रो की बात कर रहा हूँ। वैसे काफी कुछ है बोलने को, और एज अ विंडो यूजर पर्सपेक्टिव भी मतलब हमारे तालमेल ठीक ठाक नहीं बैठे। मैकबुक का अनबॉक्सिंग रीटिंग एक्सपीरियंस मेरी आवाजों से पता चल रहा होगा, डेफिनेट हेल एक्साइटिंग एट द सेम टाइम प्रीमियम। एंड प्रोडक्ट ओवरऑल जिस प्राइस पे मैंने बैक किया कंसीडर करते हुए एप्पल का है 9 out of 10। और अभी 30 दिन गायब था, क्यों था? आई होप यू गॉट द आंसर। डॉक्टर ने कहा था शुरुआत के 2-4 हफ्ते दर्द रहेगा, तो थोड़ा रेस्ट करना। कॉल और छोटे प्रोडक्ट से मेरा मतलब दाम में बिल्कुल छोटा नहीं था। ये एक USB-C हब 3,000 रुपए का, काफी अच्छा काम करता है, थोड़ा सा हीट होते हैं सभी होते हैं, और इन जनरल स्पीड भी काफी अच्छी आती है एक्सेप्ट ये SD कार्ड के। और अगला छोटा सामान 14,000 रुपए का है, सैमसंग का ये पोर्टेबल SSD, 1 TB इसकी स्टोरेज है, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोटेक्टेड है। एंड थैंक यू सारे अमेजिंग कमेंट्स एंड सपोर्ट के लिए। हाँ ये अमेजिंग है, लाइक यू आर, थोड़ा क्लीशे साउंड कर रहा होगा बट सच है। और ये बात मुझे किसी एक अच्छी जगह बतानी थी, हियर वी आर। और नेक्स्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स करेंगे इसे, ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है। जरूरत एक शौक था महंगा हेडफोन लेने का, ऐसा साउंड को और बेटर वे में सुनने के लिए। सोनी XM4 और XM3 तो मतलब ऐसा औकात के बाहर, बट सेल्स के टाइम में ये सोनी 900N ऐसा 9,000 के आसपास मिला, तो मतलब ले लिया। फन फैक्ट, 4 साल हो गए शौक आए, और अब जरूरत भी थी क्योंकि लेफ्ट वाला एक साइड से गूंगा हो गया था। और अनबॉक्सिंग की बात करूं तो इसका बॉक्स मेरे पास नहीं है, वो सेलर मेरे घर पे डिलीवर नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने दोस्त का एड्रेस डाला था और मेरे को बस उसे सामान मिला। बाय द वे पैकेजिंग काफी डोप थी सोनी की तरफ से, ऐसा गलती से ड्रॉप टेस्ट 3 बार हो चुका है, लेकिन काफी अच्छा काम कर रहा है अभी भी। सॉरी बेबी, ये कलर ऑर्डर किया मैंने बट ऐसा डिफरेंट ट्राई करने की चुल, ओवरऑल अच्छा है एक्सेप्ट ये अंदर का नीला कपड़ा और साइड में ये प्लास्टिक, प्लास्टिक खिलौने वाली वाइब देता है, सेम टू सेम, डिडंट लाइक दैट। ओके, प्रोडक्ट का मिनी रिव्यू टाइम। फील वाइज अच्छा प्लास्टिक, बिल्कुल ड्यूरेबल सा लगता है, और ये हेडसेट की स्लाइडिंग बहुत फ्लोलेस काम करती है। अच्छी बात ये है कि ओवरऑल साउंड और बेस काफी डिसेंटली गुड मिलता है। हेडसेट लगाने के बाद ही मुझे काफी कम्फी फील आई। वैसे मैं बता देता हूँ मुझे काफी आदत है ओवर द हेडफोन की। बैटरी लगभग आपको 15 से 17 घंटे की मिल जाएगी जब आपका वॉल्यूम 60-80 के बीच होगा विद ANC ऑलवेज ऑन। है फीचर्स तो यूज करेंगे यार, मतलब बेकार बातें ANC पे ही है। ANC मतलब एवरेजली गुड है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी, सब टूट गई इसको लेने के बाद। कभी कभार मुझे लगता है ये ओप्पो एनको W51 ज्यादा अच्छा नॉइज कैंसिलेशन काम करते हैं, और उसको पहन के लेट भी सकता हूँ, एडिशनली करवटे भी मार सकता हूँ। और बैटरी चार्जिंग 5 घंटे तक है जो काइंड स्लो है,
और ऐसी कुछ आवाज जाती है सोनी के हेडफोन से। एंड लाइक दिस वीडियो बाय द वे ओप्पो एनको W51 की माइक की आवाज। अगला डिवाइस यूज करना काफी टीडियस लगा, पहले वाले डिवाइस से डिस्कनेक्ट करना, फिर दूसरे से कनेक्ट करना, मतलब कि यार थोड़ा सिंपल हो सकता था, मतलब जैसे कि मास्क पहनना आई थिंक या परफेक्ट। तो सोनी की अनबॉक्सिंग जनरली में सोनी थी एंड ओवरऑल प्रोडक्ट जिस प्राइस पे मैंने लिया मतलब रेटिंग के हिसाब से 7 out of 10। वजह ये कि मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा थी, डेफिनेटली 16,000 पे तो नो, बिल्कुल पैसा बर्बाद। और सर्दियों बस इसे यूं ही ANC ऑन करके लगाए रहता हूँ। एंड स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो मेरे दोस्त, एंड ऑब्वियसली ये सारा सामान मेरा नहीं है लेकिन अपनों का ही है यार। एंड एक चीज, सारे सामान वॉर्थ इट है क्योंकि प्लान करके बाय किया है, बट कुछ चीजें आप प्लान करके भी सही नहीं कर सकते। लेफ्ट वाली वीडियो मिलेगी इसकी पूरी कहानी, अदरवाइज राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके बच सकते हो आप अमेज़न के एक तगड़े स्कैम से। बी अवेयर रहना, क्या पता आप उसके अगले बकरे हो।